श्री गुरु रविदास सभा की ओर से गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में रविदास मंदिर सदर बाजार करनाल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसको कुलदीप शर्मा ने हरी झंडी देकर रवाना किया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए गुरु रविदास का संदेश देते हुए निकली। इस अवसर पर संबोधित करते हुए पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा ने कहा कि हमें गुरु रविदास जी के दिखाए हुए मार्ग पर चलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पर तंज कसते हुए कहा कि इस समाज के लिए यहां के विधायक एवं मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि समाज को शिक्षित करने के लिए यहां पर एक स्कूल बनवाना चाहिए, अगर यह सरकार इसको नहीं बनवा पाती तो कांग्रेस की सरकार आने के बाद उनका प्रयास रहेगा कि समाज के लोगों को शिक्षित करने के लिए यहां पर एक स्कूल का निर्माण करवाया जाए। गौरतलब है कि गुरु रविदास सभा की ओर से रविवार को गुरु रविदास जयंती के उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी शैलजा मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेगी। आज के कार्यक्रम में करनाल कांग्रेस के संयोजक सरदार त्रिलोचन सिंह, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक खुराना, कांग्रेसी नेता जोगा सिंह के अलावा बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। देखिए एक रिपोर्ट। आज महान संत गुरु रविदास जी की 45वीं जयंती के उत्सव पर हम समाज को हार्दिक बधाई देते हैं, और उसी के उपलक्ष्य में आज जो समारोह गुरु रविदास सभा करनाल ने आयोजित किया और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, इस सब के लिए जो एक संदेश गुरु रविदास जी का समाज के लिए है, आने वाली पीढ़ियों के लिए है, उसको विस्तारित और प्रसारित किया है, मैं गुरु रविदास सभा का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। देखिए, समारोह गैर राजनीतिक है, इसलिए मंच पर जहां तक था तो राजनीति की बात हमने नहीं, लेकिन अब यहां जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही तो मैं ये कहने के लिए मजबूर हूं गुरु रविदास के अनुयायियों के लिए, दलित वर्ग, शोषित समाज और पिछड़े वर्ग के लिए जो स्कीम कांग्रेस ने बनाई थी वो तो कर दी बंद, और अपनी तरफ से इस सरकार ने इस समाज के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया। गुरु रविदास या महर्षि वाल्मीकि के नाम से यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए थी, इंस्टीट्यूशंस बननी चाहिए थी। मुख्यमंत्री जी जब इन समारोह में बुलाए गए तो उन्होंने वायदे तो किए, लेकिन संत गुरु रविदास और महर्षि वाल्मीकि के नाम पर हरियाणा में कोई यूनिवर्सिटी और बड़ी संस्था का निर्माण न करना, मैं समझता हूं समाज की उपेक्षा के समान। आज इस बात को बड़ी गंभीरता से सोचना है कि जब हमारी सरकार को 70 लाख रुपया गुरु रविदास सभा को करनाल में दिया गया कांग्रेस की सरकार द्वारा, उस समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, लेकिन आज की सरकार ने समाज के इन भवनों के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई योगदान दिया हो तो बताएं, कोई योगदान? असल में बात यह है कि करनाल की बदकिस्मती है कि एक ऐसा आदमी यहां से 2 बार एमएलए और 1 मुख्यमंत्री बन गया, माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद करनाल की तरफ से तो आंख मूंद ली, आंखें तो वैसे सारे हरियाणा की तरफ से मूंदी हुई, लेकिन जो व्यक्ति जिसको हरियाणा का मुख्यमंत्री होने का गौरव करनाल की जनता ने प्रदान किया हो, ऐसे व्यक्ति का
करनाल के उत्थान, करनाल के पुनर्निर्माण, करनाल के विकास के लिए किसी प्रकार का कोई योगदान न देना, मैं समझता हूँ करनाल की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। एक बार बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि श्रद्धा से जो आपने आज ये जयंती का समारोह मनाया, भगवान आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। मैं आपके यहाँ पहुँचने पर और आपको एक बारी पुण्य बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जिन्होंने एक नया रास्ता दिखाया, आज हम उनको गुरु मानते हैं क्योंकि गुरु के योग्य थे। वो एक पूर्ण संत थे। सिखों के इतिहास गुरु ग्रंथ साहब में जो उपमा, जो बड़ियाई रविदास जी की है, उससे भी आगे बढ़कर उन्होंने काम किया। आज उनकी 647 जन्म उपलक्ष्य में मैं नमन करता हूं और मैं संदेश क्या दे सकता हूं, या मैं कहीं ऐसी बात कैसे कह सकता हूं कि समाज के लोग बड़े बुद्धिजीवी हैं। इस समाज के लोग संघर्ष करना जानते हैं। इस समाज के लोग समझ चुके हैं कि जमाना करवट ले रहा है। इस समाज के लोग समझते हैं कि हमने कैसे जीना है। इस समाज के लोग समझते हैं कि हमारा भविष्य क्या है। इस समाज के लोग समझते हैं कि हमारे को इकट्ठे रहना पड़ेगा। इस समाज के लोग समझते हैं बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, तभी जाके हम समाज के बीच में बराबर का अधिकार पा सकते हैं। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।